नाठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे ना हो मरे नाठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे ना हो कर्म खंड की वाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिथे जोद महाबल भरपूर रया भरपूर ना हो मरे नाठा के जाने जिनके राम वसे मन माने ना हो मरे नाठा के जाने जिनके सीतो सीता महिमा माहे तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कछने जाहे नायो हमरे नाठा के जाहे नायो हमरे नाठा के जाहे जिनके राम वसे मन माहे वसे मन माहे ना हो मरे नाठा के जाहे जिनके नाठा के जाने जिनके राम वसे मन माने ना हो मरे भगत वसै के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख
नाठा दे जाए जिनके राम बसे मन माहे ना हो मरे नाठा दे जाए जिनके राम बसे मन माहे ना हो मरे पंड जे को कथे तायंत नायंत जे को कथे तायंत नायंत तिथे लो दे जाए जिनके राम बसे मन माहे ना हो मरे कर विचार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार जिनके राम वसे मन माहे जिनके नायहु मरे नाठा दे जाहे नायहु मरे नाठा दे जाहे जिनके राम बसे मन माहे गुरु शब्द दे स्रोते गुरमुख प्यारियो ये जो शब्द आप जी श्रवण कर रहे हो ये शब्द धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की महान पवित्र बाणी जपजी साहब विच अंकित है। इस शब्द द्वारा गुरु नानक साहब जी ये समझा रहे हैं कि जिन्हां प्राणियों के हिरदे विच राम आप वस जाता है ओ प्राणी ना तो मौत दे मारिया मरते हैं अते ना ही उन्होंने कोई ठग सकता भाव के उन्होंने प्राणियों की मौत कभी भी नहीं होंगी वह आत्मिक तौर उत्ते सदा जिंदे रहते अते ना ही काम क्रोध लोभ मोह हंकार जेड़े ये पांच डाकू हैं पांच चोर हैं उन्होंने ठग भी नहीं सकते माया उसनु ठग भी नहीं सकती। सतसंगत जी अज दे वर्तमान समय दे विच हर एक मनुख यह चाहता है कि मैं सुखी हूं मैं सदा जिंदा रहा मेरे मरण मगरों भी मेरा नाम हो पर यह हो किवें सकता है
साहब कहते हैं जिन कह राम वसै मन माहे। इस अवस्था नूं ते उही मनुख प्राप्त हो सकते जिन्हां दे हिरदे दे विच परमात्मा आप वसिया होया। हुण सवाल यह पैदा हुंदा है कि उस राम नूं वस विच कीता किवें जावे, मन विच वसे ते वसे किवें। सत संगत असी चाहते हाँ कि वह परमात्मा साढ़े हिरदे विच वसे, पर उसकी प्राप्ति वास्ते असी कोई यतन नहीं करना चाहते, असी कोई कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि सानू अमृत वेले उठना पसंद नहीं, सिमरन करना पसंद नहीं, असी इन्हां चीज़ां तो बहुत दूर भजदे हां। ते गुरु साहब समझाते हैं कि हे मनुख, उस परमात्मा नू वस करन दा सब तो पहला काम यह है कि तू अपने आप नू मारे। अपने आप नू किवें मारना है गुरु नानक साहब पातशाह समझा रहे हैं। जत पहारा तीरज सुनिया अहरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल, कड़ी शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनका नानक नदरी नदर निहा। जिवें एक सुनियारा सोने नू गहने दा रूप देण वास्ते अग दे विच साड़दा है, पट्ठी दे विच साड़दा है, अते उस नू साड़ के उस विचों जिहड़ियां उस दियां कमियां हन, जिहड़े उस दे खोट हन, वह सारे बाहर कढ़ दिंदा। उस सोने नू वह पट्ठी दे विच साड़ के अपने हथियारां दे नाल उस नू गहने दा रूप दिंदा है, तां ही वह सोना किसे इस्त्री नू किसी औरत नूं चंगा लगता है। इस तरह सात संगत जी, जे मन नूं असी उस अवस्था विच लियाउणा है कि यह मन उस परमात्मा नूं चंगा लग सके ते परमात्मा मन विच आप आके वसे, ते इसलिए जरूरी है कि इस मन दे खोटां नूं कढ़ना पवेगा। ते मन दा खोट कढ़न दा तरीका गुरु साहिबां ने समझा दिता है, जत पहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल। इस मन नूं एक सुचा ते सच्चा भांडा बनाउणा जिस विच उह अमृत नाम आके वस सके। जदों अमृत नाम वसेगा तां ही उह परमात्मा आप आके वसेगा, ते फिर असीं इस अवस्था नूं प्राप्त हो सकांगे जिहड़ी अवस्था दा जिक्र गुरु नानक साहिब पातशाह कर रहे हन। ना ओह मरै ठाते जाहे जिनके राम वसे मन माहे, ना ओ मरे ना ठाते जाहे जिनके राम वसे मन माहे, ना ओ मरे ना ठाते आगे